सोशल मीडिया पर दोस्ती कर लोगों को फंसाने और फिर पैसे वसूलने के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी कड़ी में राजस्थान से एक नया मामला सामने आया है। राजस्थान के दौसा में पुलिस ने हनी ट्रैप के मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया है। सुमन मिश्रा नाम की ये महिला पहले लोगों से दोस्ती करती थी, उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाती थी। बाद में उन पर रेप का झूठा केस दर्ज कराने के नाम पर ब्लैकमेलिंग करके उनसे लाखों रुपए ऐंठती थी। हाल ही में सुमन ने एक व्यक्ति को दुष्कर्म के केस में फंसाने के नाम पर उससे 10 लाख रुपए की मोटी रकम की डिमांड की थी। रविवार को पुलिस ने इस मामले की जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि सुमन इस शख्स से 10 लाख रुपए की डिमांड कर रही थी, जबकि 1.5 लाख रुपए वो पहले ही इस शख्स से ऐंठ चुकी थी। सुमन इस तरह के 5 झूठे मामले जयपुर के अलग अलग थानों में दर्ज करवा चुकी है, जिसके खिलाफ जयपुर के कई थानों में ब्लैकमेलिंग और धोखेबाजी के केस दर्ज हैं। कोतवाली थाना के SHO लाल सिंह ने बताया कि सुमन के खिलाफ अक्टूबर 2022 में एक शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें इस ब्लैकमेलिंग के बारे में बताया गया था। उसी के चलते पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सुमन को गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।